नमस्कार जी, आज हमारे साथ दिशा कंवर हैं। इनकी फिशर की तकलीफ थी। जैसा एक आम इंसान को बहुत डर रहता है फिशर के लिए, वो बहुत परेशान होता है, सोचता है कि पता नहीं ऑपरेशन कैसा होगा, क्या होगा, पता नहीं कितना जीवन वो दर्द में निकाल देता है, कितनी परेशानी है। इनके ऑपरेशन को आज 7 दिन हो गए, ये भी इसी पीड़ा से गुजर रही थी। दिशा जी बताइए जरा, आपको क्या क्या तकलीफ थी, क्या आप सोचती थी? तो सर 5 साल से थी, पर क्या थोड़ा मतलब अपने दवाइयाँ लेती रही, मेडिसिन लेती रही, उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता रहा। लेकिन अब ज्यादा तकलीफ हुई तो फिर हमारे हस्बैंड बोले कि आप चलो एक बार डॉक्टर साहब को दिखा के आते। जब यहाँ आए तब मुझे मालूम हुआ यहाँ पे आने के बाद कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के नहीं ठीक होंगी। तो मेरा तो जी बहुत घबराया उस समय, इतना घबराया कि घबराते ही ऐसे लगे बीपी लो हो गई हमारी। पर हर किसी के पास जाओ मुझे बेहोश कर देना, मुझे बेहोश कर देना। लेकिन जब हमारा ऑपरेशन हुआ तो हमें पता भी नहीं चला कि मतलब कितनी क्या तकलीफ है क्या नहीं है। बेहोश करके सर ने उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। जब मैं रूम में शिफ्ट हुई तब मुझे पता चला। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा ऑपरेशन हुआ कि नहीं, बोले नहीं अभी नहीं हुआ। मैंने नहीं हुआ, फिर मेरा जी बोले नहीं हो गया, तब मुझे संतुष्टि मिली हाँ हो गया। अभी आप कैसा महसूस कर रही? अभी तो पहले से तो बेहतर है। आप बताइए जरा। सर तकलीफ तो बहुत ही ज्यादा थी, इतनी तकलीफ थी कि ना दिन में सोना, मतलब खाने पीने में हर चीज में तकलीफ भी थी, कोई चीज खा नहीं सकती थी, कहीं जा नहीं सकती थी। एक चीज देखिए इतनी कमजोरी आ गई थी, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। अल्टीमेटली फिर हमने को मेडिसिन ली, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिली, एलोपैथिक अपनी होम्योपैथिक दवाइयाँ ली, मतलब किसी भी दवाई से कोई फायदा नहीं। अल्टीमेटली हमने सोचा कि चलो अपना एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, अगर ऑपरेशन कराना पड़ा तो फिर ऑपरेशन कराएंगे। आपके पास आए, आपसे आपके नेम में हमने और लोगों से रिकमेंडेशन ली, तो सब बोले नहीं सर आपके यहाँ जाके चेक कराइए, बढ़िया हॉस्पिटल है, बहुत काफ़ी अच्छा इलाज होता है, यहाँ कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है और आप ऑपरेट करा लीजिए। मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन से ये रहेगा कि आप महीने भर दो महीने भर आप ना थोड़ा इसको निकाल सकते हो समय, बाकी उसके बाद लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन है, ऑपरेशन के अलावा ये चीज़ सही नहीं सकती, फिर जाके हमने ऑपरेशन कराया। हाँ अब धीरे धीरे पहले से काफ़ी बेहतर है और होप है कि आगे भी काफी सुधार होगा। कैसा लगा, क्या लगा आपको? ऑपरेशन से घबराना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे ऑपरेशन से घबराना चाहिए? नहीं सर, घबराने से तो ये है जब आदमी पहली बार आता है तो घबराहट तो होती है उसको, लेकिन जब ऑपरेशन हो जाता तब तो ये लगता समय से पहले ही आ जाना चाहिए था। ये चीजों में क्या लोग लापरवाही करते रहते हैं, लोग छुपाते हैं, बताते नहीं है। कई लोग दोस्त शर्म आती है कि नहीं सभी आई ये क्या किससे डिस्कस करें, तो लोग बताना नहीं चाहते भाई ये लोग। अगर अगर आपको किसी को भी ऐसी समस्या है तो ये आप जरूर बताएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें, और समय से पहले आ जाएं तो आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, दवाई उससे ठीक हो जाएंगे। और अगर अगर आप लेट गति भी की, अगर आप नहीं दिखाएंगे तो लास्ट में ऑपरेशन की व्यवस्था है, क्योंकि बीमारी अगर एक बार बना जाए धीरे धीरे बढ़ती है, खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही, तो उसका इलाज तो यही है कि अगर समय से आप दिखा लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और आप हर चीज अच्छी रहेगी फिर आपके लिए। क्या ऑपरेशन कोई डरावनी चीज है? नहीं, ऑपरेशन कोई डरावनी चीज नहीं है। तो ऑपरेशन वो लोगों में बस हुआ है कि हाँ नहीं सर ऑपरेशन करा लिया, और ऑपरेशन शब्द ही सर अपने आप में एक बहुत बड़ा हुआ है कि क्या करा ऑपरेशन, किस चीज का हो गया ऑपरेशन, आदमी हर चीज में तो थोड़ा सा मशीन वसीने देख घबरा रहे बस वो ही होता है, ऐसा होता कुछ पता ही नहीं चलता है कब हुआ क्या हुआ। जब वो ऑपरेशन होने के बाद होश आता है तब पता चलता है भाई हमारा ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन से बचना है तो आप समय से पहले आप आ जाएं और अपना ट्रीटमेंट ले लें, तो क्योंकि कोई भी नहीं जाता ऑपरेशन कराना, और डॉक्टर भी नहीं चाहते कि आपका ऑपरेशन रुक, वो तो लास्ट स्टेज, जब कोई चाहे जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब जाके तो ऑपरेशन ही बचता है, तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप पहले अपना इलाज करें। थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू, धन्यवाद।